गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, रागों की श्रृंखला में कल हमने राग भोपाली किया था, तो उसी की तरह आज हम राग खमाज का शास्त्रीय परिचय देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो राग भोपाली का शास्त्रीय परिचय मैंने आपको पिछली वीडियो में भेजा है, तो आज हम राग खमाज का शास्त्रीय परिचय देखते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है दोहा। दोहा है, आरोहन में रे वर्जित कर गावत राग खमाज, द्वितीय पहर निशी गाइए, रखिए गौनी संवाद। मींस, दूसरी बात, ये जो दोहा दिया हुआ है बच्चों, इस दोहे में पूरे राग खमाज का शास्त्रीय परिचय निहित है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले आ जाता है आरोहन में रे वर्जित कर, मींस कि राग खमाज में आरोह में रे वर्जित स्वर है और अवरोह में इसके सातों स्वरों का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, गावत राग खमाज, राग खमाज को गाने का यही तरीका है। द्वितीय पहर निशी गाइए, यह जो है इसका गायन समय है और बजाने का समय रात्रि का दूसरा पहर है। मींस गाने और बजाने का समय रात्रि का दूसरा पहर है। रखिए ग नी संवाद, रखिए ग नी संवाद का मतलब है इसका वादी स्वर ग है और संवादी स्वर नी है। बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था वादी स्वर कौन से होते हैं, ऐसे स्वर जो उस राग में सबसे ज़्यादा गाए और बजाए जाते हैं, जिस स्वर के ऊपर सबसे ज़्यादा आंदोलन किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है। ठीक है, तो इसका वादी स्वर ग है जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा आंदोलन करेंगे, और संवादी स्वर नी है। नी वो संवादी स्वर मीन्स कि वादी स्वर से कम प्रयोग में होता है लेकिन दूसरे स्वरों से अधिक प्रयोग में होता है। तो राग खमाज का संवादी स्वर नी है जिसको हम ग के बाद सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग करेंगे और बाकी बचे हुए स्वरों को हम अनुवादी स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इस पैराग्राफ का मतलब है। अब सबसे पहले इसका आरोह देखते हैं। ठीक है, आरोह स ग म प ध नी सा। ठीक है, ये इसके आरोह के स्वर हैं, स ग म प ध नी सा। जो हम इसका तार सप्तक का सा लेते हैं वो हम स्वर को कंप्लीट करने के लिए लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम इस्तेमाल में स्वर को अपनी धुन को अपनी ध्वनि को कंप्लीट के लिए लेते हैं, लेकिन ये काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो रे वर्जित है इसलिए हमने इसमें रे नहीं लगाया है। अब हम इसका अवरोह देखते हैं। आप अवरोह देखेंगे तो आपको इसमें स्वर नज़र आ रहे हैं, सा नी ध प म ग रे सा। तो आपको बाकी सातों स्वर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो हम तार सप्तक का सा है उसको काउंट नहीं करेंगे, अपने स्वर को कंप्लीट करने के लिए लगाते हैं। इसके अलावा अवरोह में आपको सातों स्वर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद इसकी आ जाती है पकड़। पकड़ क्या होती है, जिनके ऊपर हम जो शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, किसी आलाप तान में अधिक से अधिक इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो इसकी पकड़ कहलाती है। पकड़ में जो स्वर है इसके, नी ध म प ध म ग पा म ग रे सा। ठीक है, ये सिंपल वे में मैं आपको बोल के बता रही हूँ, तो इसकी पकड़ है। इसके बाद आ जाता है थाट, कि इस राग का थाट क्या है। जितने भी राग हैं वो किसी न किसी थाट से ही मिलकर बने हैं, तो जो राग खमाज है ये अपने ही थाट से ही मिलकर बना है। तो जो राग खमाज है उसका थाट भी थाट खमाज है। जाति इसकी है षाडव संपूर्ण। षाडव संपूर्ण क्यों है, मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, षाडव संपूर्ण का मतलब, क्योंकि इसके आरोह में 6 स्वर लगे हुए हैं और अवरोह में 7 स्वर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जाति षाडव संपूर्ण कहलाती है। इसका अभी वादी स्वर अभी मैंने बताया ग है और संवादी स्वर इसका नी है, और वादी और संवादी स्वर क्या होते हैं ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, गायन समय रात्रि का दूसरा पहर अभी बताया मैंने आपको। इसके बाद आ जाते हैं स्वर। स्वर में क्या आता है, मीन्स इस राग के आरोह में शुद्ध नी तथा अवरोह में कोमल नी का प्रयोग करते हैं
और शेष स्वर जो इसके होते हैं वो शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये इसके स्वर कहलाए। इसके बाद आ जाता है न्यास के स्वर। जिन स्वरों के ऊपर सबसे ज़्यादा न्यास किया जाता है वो न्यास के स्वर कहलाते हैं। तो इस राग के न्यास के स्वर सा, ग और प हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है सम प्रकृति राग। इसका सम प्रकृति राग जो है राग तिलंग है, जो इसके साथ मिलता जुलता राग है। इसके बाद आ जाता है वर्जित स्वर। पहले भी बता चुकी हूँ इसका वर्जित स्वर रे है। इसके बाद आ जाता है विवादी स्वर प्रयोग, कि ऐसा विवादी स्वर जो प्रयोग में कभी कभी करते हैं हम। हालांकि इसके आरोह में रे स्वर वर्जित है, लेकिन ठुमरी गाते समय उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आरोह में रे का प्रयोग हम कर लेते हैं। मतलब कि हालांकि जो रे स्वर है वर्जित है, लेकिन ठुमरी गाते समय, ठीक है, उसकी सुंदरता को और अधिक निखारने के लिए, और अधिक बढ़ाने के लिए, तो आरोह में हम इसका रे का प्रयोग करते हैं। विशेष मीन्स इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि यह अपने ही थाट का आश्रय राग है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है प्रकृति, कि इस राग की प्रकृति क्या है। खमाज राग जो है एक चंचल प्रकृति का राग है। इसमें अधिकतर ठुमरी, दादरा तथा गजल गाई जाती है। इसमें विलंबित ख्याल नहीं गाया जाता, लेकिन वादन में मसीद खानी तथा रजा खानी दोनों गत बजाई जाती हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। वादी स्वर ग होने से यह पूर्वांग प्रधान राग कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपका राग खमाज का सारा शास्त्रीय परिचय कंप्लीट होता है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसको लर्न करिएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से करना है सारा काम। इसके साथ साथ प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड कमेंट आल्सो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।